स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज की 15वीं क्लास 19 अगस्त 2023 के टॉप 15 क्वेश्चनों को मात्र 5 मिनट में देखेंगे और अंत में आज का इतिहास देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 10 दिवसीय बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कहाँ शुरू हुई? तो सही आंसर है ए जम्मू कश्मीर। यह मंदिर पुंछ जिले में स्थित है और अमरनाथ गुफा अनंतनाग जिले के पहलगाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। डोप टेस्टिंग में फेल होने पर किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का प्रतिबंध लगा? तो सही आंसर है बी दुति चंद। प्रियंका गोस्वामी, अक्षरदीप और विकास सिंह ये तीनों 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कितने शहरों में पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 ई बसें तैनात की जाएंगी? तो सही आंसर है डी 169। क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युद्धपोत का शुभारंभ किया? तो सही आंसर है सी INS विंदगिरी। क्वेश्चन नंबर 5। कैबिनेट ने रेलवे की कितनी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो सही आंसर है सी 7। क्वेश्चन नंबर 6। वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो सही आंसर है बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7। बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायेम विलेज का अनावरण किसने किया? तो सही आंसर है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड होगा? तो सही आंसर है सी 23 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 9। किसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया? तो सही आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। यह भारत की एक निजी स्पेस कंपनी है और भारत की दूसरी कंपनियों के जो रॉकेट लॉन्च करेगी। OpenAI ने किस कंपनी का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया? तो सही आंसर है डी ग्लोबल एल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में किसे चुना गया? तो सही आंसर है ए आदिल सुमरीवाला। क्वेश्चन नंबर 12। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई? तो सही आंसर है सी 14,903 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है डी 19 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 14। लखपति दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा? तो सही आंसर है बी 2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर है ए प्रिया मलिक। चलिए आ जाते हैं आज के इतिहास की ओर। आज ही के दिन 1600 में अहमदनगर पर अकबर का आधिपत्य हो गया। आज ही के दिन 1666 में शिवाजी महाराज आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब के कैद से फरार हो गए। आज ही के दिन 1919 में अफगानिस्तान में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज ही के दिन 1949 में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी बना। आज ही के दिन 1960 में स्पुतनिक 5 में अंतरिक्ष यान में 2 कुत्ते और 3 चूहों को अंतरिक्ष में भेजा गया। आज ही के दिन 1973 में फ्रांस ने अपना परमाणु परीक्षण किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।